बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, दिल्ली के आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो हुआ सबने देश ने पूरे देश ने देखा। उसी सिलसिले में कल बाहर आए, जब उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से भी लग नहीं रही है, ये तो एक रैली बन गई है, बहुत बड़ी जनसभा बन गई है। तो अरविंद जी, संजय सिंह जी, हमारी पूरी दिल्ली की लीडरशिप, कैबिनेट, सबका सबसे पहले बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, मुझे बुलाया, यहां मान सम्मान दिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं दिल्ली के इन क्रांतिकारी लोगों का, जो संकट की घड़ी में आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह डटे रहे, सबका धन्यवाद। मीडिया वाले सज्जन जो हैं आए हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आगे क्या दिशा देंगे, क्या दशा होगी राजनीति की, दिशा और दशा बताएंगे, लोग सुनना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था, जहां भी मैं गया, चाहे असम गया मैं, गुजरात गया, चाहे पंजाब में गए, जहां भी कोई इंटरव्यू हुआ किसी भी नेशनल चैनल पे, लोकल चैनल पे, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा भड़ास निकालने का, पूरा मौका देंगे। वो देखो कितना अच्छा नारा लिखा हुआ है, बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। आपका यूथ विंग है, उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, जो तानाशाही देश में फैल रही थी, अब मैं उसके साथ थी लगाऊंगा, क्योंकि पहले तीन राउंड में, आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले तीन राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 बार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। 400 पार तो दूर की बात है, बेड़ा पार नहीं हो रहा, इसीलिए भाषण की टोन बदल ली। ये नारा, ये इधर से महिला विंग की तरफ से नारा आ रहा है, सर 25 मई बीजेपी गई, क्या बात। अब ये टाइम तुम्हारा है, हम तो हर रोज बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, ये आपके दिल की भड़ास है असल में, जो आपने पीड़ा सही, जो आपके मन में रोष था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे, ये तो जो हमारा विरोधी भी है ना, उसने भी कहा यार जो मर्जी है, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करके जीतना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं पर पर्चे करके ईडी के छापे मार के जीतना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने ये भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूं, तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। लव यू केजरीवाल कह रहे हैं सर, सर सर लव यू केजरीवाल आ रहा है। टू टू कहूं या थ्री? टू थ्री फोर फाइव। देखो आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में कितनी खुशी है आज, क्योंकि हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे बॉस बाहर आ गए, ये खुशी है। साइड में यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ है भाई साहब, एक दूसरे को पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया, वो कहते मुझे तो आप नहीं पता कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, कहते मैंने तो खुद नहीं पता क्या करेंगे अब। तो दोस्तों, अब हम
अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए। दिल्ली में तो 25 को है, पंजाब में 1 को चुनाव है, 30 तारीख तक चुनाव जो है कर सकते, 20 दिन है। अब हमें जहां 12 घंटे काम करते थे हमें 18 घंटे काम करना है। और इस देश में मेरे 32 दांत हैं, मेरी बात बहुत बार कही हुई सच हो जाती है। मैंने परसों एक फंक्शन में जलंधर के पास शाहकोट कस्बा है वहां कहा था कि लाइट माथे लग रही है, 32 दांत हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा हमारा बब्बर शेर कल बाहर आ रहा है, तो कल बाहर आ गया। और मैं एक और बात बतानी चाहता हूं, 32 दांत हैं भाई साहब, 4 जून को तैयारी कर लीजिए, 4 जून को सेंटर में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी भाई, हमारी सरकार बनेगी, आपका हिस्सा होगा देश की सरकार में। यह दिन देखने के लिए बैठे थे हम, यह दिन देखने के लिए। सबसे ज्यादा वफादारी, जो वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वो तब परखी जाती है जब आदमी पर कोई संकट का समय आता है। जो संकट के समय साथ खड़े रहते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि आप हैं, आप ऑर्गेनिक हो। कुछ लोगों ने संकट के समय छोड़ भी दिया, चलो जाओ, भला होया लड़ नेड़े छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। तो वीरो दोस्तों, आपका जो साथ है ये हमें थकने नहीं देता, हमें थकावट नहीं। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ घंटे पहले आए हैं, आते ही कहां कहां प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा जी मेरे तो वैसे ईस्ट में और आज साउथ में, साउथ और ईस्ट में मेरे रोड शो थे, पहले से ही प्लान थे। अरविंद जी आ गए तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा वहां पे। तो आज ईस्ट और साउथ में जो रहने वाले हैं उनको मैसेज दे दो, आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बैटिंग करने के लिए उसी पिच पे आ गए हैं। वो आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड हर्ट हुए थे, थोड़ी देर के लिए उनको बैटिंग से थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन बल्ला भी वही है, पिच भी वही है, और सबसे बड़ी बात यह है छक्के और चौके भी वही हैं, ग्राउंड भी वही है। तो आज साउथ और ईस्ट में आते ही काम पे लग गए, ऐसा नेता देखा कोई? नहीं तो जेल से आके 10-10 दिन तो मिलते ही नहीं है कि जी मैं जेल से आया हूं, पता नहीं क्या कहते, नहीं छोड़ो जेल, मुझे मेरे लोग मिलाओ, मैं अपने लोगों से आंखों से आंखें डालकर उनकी बात करना चाहता हूं। ऐसा नेता होना चाहिए। और पंजाब से मैं आपको, पंजाब से खुशखबरी दे रहा हूं, 13 सीट है और 14वीं कुरुक्षेत्र है, वो भी पंजाबी मान लो बिल्कुल साथ में है। पंजाब से मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कल पंजाब से आया हूं, कल ही जाऊंगा, आपने फोटो वगैरह देखे होंगे टीवी पे, व्हाट्सएप पे। वीरो पंजाब से बीजेपी का और कांग्रेस का सुपड़ा उधर, तो क्योंकि हम वहां नहीं लड़ रहे, वहां हम अलग रहे हैं, 13 की 13 पंजाब में आम आदमी पार्टी को। बाकी देश में इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो संविधान भी बचाना है, देश बचा, अगर संविधान ही ना रहा तो पार्टियां बना के क्या करेंगे, को मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे। जब इसने पुतिन जैसे राष्ट्रपति बन गया, सभी स्टेटों के जो मुख्यमंत्री वो खत्म, सीधा वोट पुतिन को डलता है, तो फिर जब फेडरल स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया फिर क्या करेंगे हम। तो लोकतंत्र बचाने का ये लोकतंत्र बचाने का इलेक्शन है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो जब पूछा जाएगा क्वेश्चन किसी सिलेबस में या यूपीएससी के किसी टेस्ट में कि देश को तानाशाही से किसने बचाया, देश को तानाशाही से और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो उसमें आएगा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की 2 करोड़ जनता, यह सही उत्तर होगा, इसके पूरे नंबर मिलेंगे फिर जिसने ये लिख दिया। तो मैंने कहा था मोदी जी दरियाओं को नक्के नहीं लगते, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपने गलती कर ली, गलत समय पे आपने पंगा ले लिया, और
जितनी बार भी मुलाकात हुई इन्होंने अपनी सेहत के बारे में बाद में बताया, पहले ये पूछा दिल्ली वालों का क्या हाल है, पहले ये पूछा कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं कर दिया जिससे दिल्ली के लोगों को भी दिक्कत होती हो, पंजाब में कैसा चल रहा है, गेहूं की पैदावार कैसी है, मंडियों से गेहूं उठा लिया, सब कुछ। इनको लोगों की चिंता ज्यादा रहती थी। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। अरे भाई साहब, भाई साहब, ऐसे किसी सोच को आप पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तो आज बुरा हाल है, आज उधर भाई साहब सन्नाटे छाए हुए हैं भाषण की। एक मिनट, एक 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 बाद में कर, मैं जज्बात समझता हूं। भाषण की टोन बदल गई। अरे 10 साल राज, आम आदमी पार्टी 8 साल के कामों पर वोट मांग रही है, मैं पंजाब में सिर्फ 2 साल के कामों पर वोट मांग रहा हूं, सिर्फ 2 साल। 47,000 नौकरियां, 90% घरों को बिजली का बिल फ्री, और साथ में पानी, नहरी पानी और बिजली और गेहूं और फसलों का उठाना मंडियों से, किसान को कोई परेशानी नहीं है, राशन घर घर पे, और करोड़ रुपया सम्मान शहीदों के जो परिवार है उनका मान सम्मान जो शहीद हो गया। अगर मैं अपने और 16 टोल प्लाजे बंद कर दिए, 58,70,000 पर डे पंजाबियों का बच रहा है जी, 58,70,000। एक थर्मल प्लांट खरीद लिया, प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा है, मोदी ने सब कुछ बेचा है, हमने खरीदा है। तो हम लोग नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं, हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन शर्म की बात है, 10 साल बाद भी ऑलमोस्ट विदाउट विपक्ष, विपक्ष में अगर कोई बोलता था संजय सिंह जैसा, उठा के बाहर फेंक दो और बिल पास करो, हां वाले हां कहे, ना वाले ना कहे, हां वाले जीत जीत जो चलो जी। ऐसे काम किया, फिर भी 10 साल बाद अगर प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगने पड़े, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। कोई काम गिना दो, कोई काम किया, कोई नौकरी दी, कोई अस्पताल बनाया, कोई स्कूल बनाया, नहीं, ये काम ही नहीं। हिंदी में 150-150,000 लफ्ज हैं अक्षर हिंदी के, भाषाएं इधर उधर से अडॉप्ट भी करती हैं, तो कर करा के 6.5 लाख है हिंदी के पास, हिंदी भाषा में 6.5 लाख के आसपास अक्षर हैं, लेकिन शब्द बोलते हैं, हाँ शब्द बोलते हैं, तो 6.5 लाख है हिंदी के पास शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 हैं बस, वो वही बोलता है, वो इलेक्शन के समय क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान कब्रिस्तान शमशान मंगलसूत्र गाय भैंस बकरी बस खत्म। ना कोई शिक्षा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गरीबी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना विकास, ये लफ्ज उनकी डिक्शनरी में नहीं है बस। तो इस बार डिक्शनरी बदल दो, जिनकी डिक्शनरी में शिक्षा है, जिनकी डिक्शनरी में इलाज है, जिनकी डिक्शनरी में बिजली फ्री है, जिनकी डिक्शनरी में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनकी डिक्शनरी में विकास है, उनके उनके साथ उनका साथ दो। मुझे पूछा गया पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में मुझे कहा गया कि हम आपका नाम लेंगे कोई किसी पॉलिटिशियन का, आप उसी समय उसके बारे में कुछ भी बोल देना जो आपके मन में आता। मैंने कहा बोलो, कहते सुखबीर बादल। मैंने कहा पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, पंजाबी लिखनी पढ़नी आती नहीं, लेकिन पंजाब के बारिश बनना चाहते हैं। कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कह राजा लोग हैं, महलों में रहने वाले, जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था अकालियों के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है बीजेपी के साथ है। तो कहने लगे नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं भी जोड़ के कहीं भी सुना सकते हैं और साथ में गारंटी देते हैं। कहते कैसे। मैंने कहा चंद्रयान कुछ लॉन्चिंग पे गए, वहां बोला उन्होंने कि मेरा इसरो से पुराना नाता है। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा 8वीं का सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा, ये इसरो कहां से आ गई, यहां इसरो से क्या नाता जोड़ेंगे भी अब। मैं सुनने लगा ध्यान से। कहते जब मैं स्कूल जाता था
तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, पढ़ने में ठीक ठाक ही था, इसलिए हर टीचर मुझे आके कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए इसरो से मेरा पुराना नाता है। फिर उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल किसके बारे में क्या बोलोगे, मैंने कहा इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा भगवंत मान, मैंने कहा जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। दोनों हाथ ऊपर क्या करके दो नारे केजरीवाल साहब के आगमन के शुभ आगमन पर लगा दीजिए, इनकलाब। ये साथ में दफ्तर है, इनके शीशे हिला दो, इनके दोनों थोड़ा और जोर से इनकलाब इनकलाब।